गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है थोड़ा साढ़े यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन से। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर जा रहे हैं आप क्लास 7 का। फर्स्ट क्वेश्चन की है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल्स विद द फॉलोइंग डायमीटर्स। आपको क्वेश्चन के विच के डायमीटर्स गिवन है। आप एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, बी पार्ट आप सिलेक्ट किया, डायमीटर गिवन है अपन सर्कल का, डायमीटर ऑफ सर्कल दैट इज गिवन एज 4.2 सेंटीमीटर। आप सरकमफेरेंस पता करना है या पैरीमीटर, जिन्हों सरकमफेरेंस पैरीमीटर दोवों नाम ना आप जानते हैं, आप पता करना है। तो सब तो पहले आप डायमीटर गिवन है, सब तो पहले आप रेडियस फाइंड करा। रेडियस कदे इक्वल होंगी है डायमीटर डिवाइड बाय टू। जो डायमीटर टू न डिवाइड किया जाता अपने को आती है रेडियस, तो कि आ गया 4.2 डिवाइड बाय टू। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 2.1 सेंटीमीटर। सब तो पहला मैं आर की वैल्यू फाइंड कर ली, आपको डायमीटर गिवन सी, डायमीटर तो रेडियस फाइंड कर ली, रेडियस कितनी आ गई 2.1 सेंटीमीटर। डायमीटर के रेडियस में रिलेशन की है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय टू। हुण आप पता करना सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की होंगे अपने को 2πr। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, तो आप वैल्यू पुट करेंगे 2π की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड बाय 7, r की वैल्यू कितनी है 2.1। पाई की वैल्यू फिक्स है, कितनी पुट करेंगे आप 22 डिवाइड बाय 7, r की वैल्यू कितनी है 2.12 एज इट इज़ आ गया। हम देखो सब तो पहला 2 × 22/7 2.1 के विचाले जो पॉइंट है इनू खत्म करके आप कि लिखेंगे 21/10। पॉइंट के राइट साइड से एक डिजिट है तो अपने को कितना आ गया 10, जे दो डिजिट होंगे अपने को 100 आता, 3 डिजिट होंगे अपने को 1000 आता। हम देखो 7 के टेबल 21 कैंसल हो गया, कि अपने को 3, 7 3 जा 21 होंगे। तो हम आप 2 को 10 कैंसल नहीं करते क्योंकि थले 0 हो पॉइंट लगाना सौखा होता, नहीं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपने को बचा 2 × 22 × 3 डिवाइड बाय 10। 2 × 22 = 44, 44 × 3 कितना हो गया 132 डिवाइड बाय 10। सो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। सो जो अपना आंसर है सरकमफेरेंस दैट इज इक्वल टू 13.2। 13.2 किवें है अपने को डिवाइड दे अपने को 1 0 है, तो आप एक डिजिट छड़ के पॉइंट लगावे तो आंसर कितना 13.2। अपन डायमीटर गिवन सी, अपन रेडियस में कन्वर्ट करके सरकमफेरेंस फाइंड किया। नैक्सट अपने को सैकेंड पार्ट है, इनके नाल दे टोटल 5 पार्ट है, तुसी खुद सॉल्व कर सकते हो, बाकी 4 एक मैं सॉल्व करता हिंट दे दी किवें करना। उस तो बाद जो अपना नैक्सट क्वेश्चन है, नैक्सट क्वेश्चन की है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद फॉलोइंग रेडियाई। हुण आपां नूं रेडियाई गिवन है, नैक्सट क्वेश्चन दे विच आपां नूं रेडियाई गिवन है, आपां की है सरकमफेरेंस फाइंड करना है। कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, आपां सैकेंड पार्ट का आपां डी सिलेक्ट किया, रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। जो सर्कल की रेडियस गिवन है दैट इज 8.4 सेंटीमीटर, दैट इज आर इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। आप फाइंड करना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, चाहे डायमीटर गिवन हो चाहे रेडियस गिवन हो, फॉर्मूला सेम रहता। फॉर्मूला की अपने को सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 2πr। मैं एक तरीका दसाया सी, 1 2 3 4 सर्कल का पैरीमीटर 2πr, तो कितना आ गया 2π r। हुण आपां वैल्यू पुट करांगे 2π दी वैल्यू 22/7, r दी वैल्यू कितनी आ गई 8.4। 8.4 दे विचाले जो पॉइंट है इहनूं खत्म करांगे क्योंकि पॉइंट वाली मल्टीप्लीकेशन थोड़ी जी टफ हुंदी है। तो कितना आ गया 2 × 22/7 इंटू की आ गया 84 डिवाइड बाय 10। पॉइंट तो पॉइंट के राइट साइड से एक डिजिट है, तो थले कितना आ गया 10 आ गया। हुण कितना आ गया 7 के टेबल च 84 कैंसल हो गया, कितना हो गया 12 7 84, 12 7 84। तो बाकी की बचा मेरे को 2 × 22
इंटू 12 डिवाइड बाई कितना आ गया 10 आ गया। हुण मेरे को बचा 2 इंटू 44 नू आपां 44 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना आ गया 88 एंड 44 तो कितना बन गया अपने को 528 तो कितना आ गया 528 डिवाइड बाय 10। सो आवर आंसर इज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर दैट इज आवर आंसर। आपां नूं क्वेश्चन दे विच रेडियस गिवन सी आर इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर तो रेडियस नूं आपां यूज़ करके सरकमफेरेंस फाइंड कर लिया 2πr फॉर्मूला वैल्यू पुट करके अपने को फाइनल आंसर कितना आ गया 52.8 सेंटीमीटर। इसे अपने को फस्ट दो पार्ट जिन्हों के पहले पार्ट के अपन डायमीटर गिवन सी सैकेंड पार्ट के अपन रेडियस गिवन सी। नैक्सट वीडियो के आप क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करांगे।